स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने इस तीसरे अद्धा की राम राम। फिलहाल खड़ा पे नरवाना जो राम निवास सुरजा खेड़ा का भवन है ठीक उसका सामने खड़े हैं इस टाइम, क्योंकि यहाँ पर किसानों ने आज धरना है धान की खरीद को लेकर। तो आप देखने लग रहे हो एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी पूरा जोरों पर रहा है। तो पुलिस प्रशासन देख लो आप जो राम निवास सुरजा खेड़ा की भवन है उसका ठीक सामने बैठा पुलिस प्रशासन। तो आज यहाँ पर किसान अंदर ना लगा है क्योंकि सरकार ने 3 तारीख दी थी, पहली तारीख दी 25 तारीख, फिर दी 1 तारीख और अब दी 11 तारीख, लेकिन किसाना की खरीद नहीं हो रही। किसाना के कहना है ये 11 तारीख बदल तो किस बैठे यहाँ पर जो किसान बैठे हैं आप देख ला रहे यहाँ पे फिलहाल खड़े हैं नरवाना है जो मेरे पीछे देख ला रहे हो किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं धान की खरीद लो। फिर आपने एक बिल रखा था भाई है नरेश बिल रखा, फिर उसका बात करांगे। राम राम नरेश। राम राम जी। तो आज किसान ने यहाँ पर धरना लगाया धान की खरीद को लेकर, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे सरकार को? भैया ये कहना चाहेंगे शुरू में कहा था कि 25 सितंबर तक खरीद शुरू हो जाएगी लेकिन नहीं हुई, उसके बाद कहा कि 1 तक शुरू हो जाएगी, 1 तक भी किसान रुक गए चलो कोई नहीं हो जाए कई बार। तो ईब कह रहे हैं कि 11 तक खरीद शुरू होगी लेकिन आज 2 तारीख है, मामे आज खरीद चालू करवाए के जावांगे इस वास्ते उरा आए हैं क्योंकि यार तंग हो ले है कड़ियाँ, आप कड़ियाँ बेचने जाओ तो 1-2 दिन लाना मुश्किल हो जाए लेकिन 15 दिन बहुत हो जाए भाई, दिक्कत है जी किसान। किसान की फसल तो पक्के तैयार हो रही, फिर सरकार या तारीख पर तारीख क्यों नहीं लग रही है? सरकार का देखो मेन चीज में बताऊंगा, सरकार हरियाणा और पंजाब में ये चीज कर रही है ताकि किसान मंडी में बिचड़े, लेकिन यह चीज सारे किसान का समझ में आ रही है, संयुक्त किसान मोर्चा का समझ में आ रही है, माँ में उरा नहीं बिचड़ांगे, मारा दिल्ली मोर्चा भी नहीं चल रहा उरा तो मामे 2-4 घंटे में फतेह कर लेंगे अपनी फसल बिक जाएगी बस। दूसरी में बात कहना चाहूंगा, एक बात बार बार कहवा कि जड़े भी अपने आदमी होगा नहीं ओड़े अपना फायदा होगा, अपने आदमी मतलब अपना किसान मजदूरों के बेटे जो अफसर बनेंगे या फैक्ट्री लावेंगे कुछ, यानी अपने आदमी जड़े बैठेंगे ओड़ा फायदा देंगे। यू टाटा मोटर्स वाला है देख लियो, दिखाई कैमरा बने की उस तरफ टाटा मोटर्स वाला है, यू अपना है, अपना तो जुड़े है, इसने उरे पानी की व्यवस्था भी करी है और लाइट की व्यवस्था भी करी है, और जो मतलब उरे बैठने में जिसने दिक्कत आवा बुजुर्ग ने उनका भाई भीतर बैठो आराम से, यू हो अपना अपना भाई साहब जो ललित सरकार ने 3 काले कानून करे थे। आज उन कानूनों का कितना फायदा मिल रहा है आपने? कानून का क्या फायदा जी, आप खुद काले बोलने लग रहे हो, काली चीज कदे फायदा देख रहा है बात ठीक है आप। हाँ लेकिन दूसरा मैं यू कहना चाहूंगा जी, आंदोलन रत होते हुए भी आंदोलन करते करते भी ये लोग नहीं जीण दे रहे नहीं, तो काले कानून लागू हो पाछा तो जिंदगी कुछ नहीं रही। और मैं दर्शकों का कहना चाहूंगा भाई यू साल भर मान वाला त्यौहार को नहीं, यह लड़ाई है यू युद्ध है, अगर यू जीत गए तो जीवांगे नहीं अपने जीए नहीं सकते आपे, तो अपनी आजादी खत्म हो जाएगी, अपनी चौधर खत्म हो जाएगी, सारे सौदा हत्ता जाता रहेगा। ठीक है बहुत धन्यवाद नरेश आपका। तो देखो एक बार उड़ी तरफ और दिखाई दे जो यू राम निवास सुरजा खेड़ा का भवन है ठीक इसका सामने प्रशासन बैठा है, पूरे चारों तरफ से बैरिगेड लगाए। तो अपना काम था दोनों सत्यवान, तो राम राम भाई सत्यवान। राम राम जी। लगा लिया अभी वहाँ पर धरना हो रहा है? हाँ जी। अच्छा फिर के मांग आज सरकार तय जो या धान की खरीद को लेकर? मुख्य मांग तो आज धान की खरीद जो हर साल 1 अक्टूबर से शुरू होती थी उसी खरीद शुरू करी जाए, और दूसरी मांगे भी 1-2 दिन पहले अपना मैं एसडीएम को ज्ञापन दिया था, वे हरियाणा प्रदेश के अंदर धान की बात करें बाजरे ही करें कपास की बात करें तमाम फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, उसकी स्पेशली गिरदावरी की अनाउंसमेंट सरकार ने करी है वो भी जल्द शुरू करी जाए। किसान यहाँ पर बैठे हैं जो राम निवास सुरजा खेड़ा का भवन है, यहाँ पर किसान की बात सुनने कोई एसडीएम डीसी कोई पहुँचा हुआ है? ना जी अभी तक तो कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में नहीं पहुँचा है, यहाँ किसान बैठे हैं और सत्ता में बैठे लोग चाहे राम निवास की बात करें चाहे हम विधायक की बात करें चाहे मुख्यमंत्री की बात है ऐसी कोठियों में बैठे हैं, उन्हें किसानों से कोई लेना देना नहीं। केला का 11 तारीख के बाद शुरू कर देगी या आगे को तारीख बढ़ सका है? हाँ मैं 11 तक पहला शुरू करवाऊंगी, वो दिन दूर नहीं जब आपकी खरीद जल्द शुरू होने वाली है, और किसान साथियों से अपील है वो ज़्यादा से ज़्यादा धरने में पहुँचे। ठीक है धन्यवाद भाई। तो देखो भाई इस्तेवान भाई ने बात कही है कि आप 11 तारीख तक पहला देखो भाई, यहाँ पर प्रशासन ने भी रास्ता रोक दिया है ताकि किसान ने कोई परेशानी ना हो, क्योंकि उस तरफ देख लो बहुत भारी मात्रा में किसान बैठे हैं यहाँ पर धरना लगाए धान की खरीद को लेकर। तो यहाँ पर है अपने साथ में सुनील, तो एक बार सुनील तो और बात कर लिया। राम राम सुनील। सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके चैनल के दर्शकों को मेरा राम राम। हमारा जो ये धरना है ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना है,
उसका कारण ये है जो सरकार ने खरीद बंद करी है उसका हम विरोध करते हैं और विरोध जब तक जारी रहेगा जब तक सरकार जीरी लेना हमारी स्टार्ट नहीं करती। ये लगा अपना जैसे किसान यहाँ पर धरना लगाया है, इस धरना तक ट्रकस या सरकार धान की खरीद शुरू कर देगी? नहीं करेगी, मैं मनवावेंगे और उल्टा विधायक कई तो शांतिपुर पत्रिका बैठे हैं इसका बरना का जीरी गेटन का काम करेंगे, पूरे ट्रैली लिया गया सारे जितने अपने किसान है पूरे ट्रैली लेकर खड़ी कर देंगे और सरकार को मानना पड़ेगा हमारी। आज तक किसान आ रहा नहीं जीते है और जितने की स्थिति पे किनारे पे खड़े हैं हम जीतेंगे और उस जीत का एक सरे हमारे किसान इस जो ये विरोध प्रदर्शन है इसे लेंगे और हमारी जीत निश्चित है। धान की खरीद तो पक्के तैयार होगी लेकिन यह सरकार बार बार तारीख पर तारीख क्यों लेने लग रही है, इसका के सरकार के चाह किसान के साथ के हो ये करना चाहती है? जो मजदूर है उनकी भी मजदूरी घटा के 12% से 8.5% पे कर दी और जो किसान 25 तारीख से अपनी मंडी में जीरी लेकर आए हुए हैं उनको ये तंग करना चाहती है, तंग इस करके कर रही है इनकी जो मजदूरों की इनकी मजदूरी घटाई है वो मजदूर हड़ताल पे बैठे हैं और बार बार उसी करके ये डेट आगे बढ़ा रहे हैं, न कि कोई मोसराज की बात है न कोई और बात है, ये मजदूरों से अपना विश्वास नहीं जीत पा रही, इनके खिलाफ मजदूर भी हो चुके हैं और जब तक मजदूरों की हड़ताल खत्म नहीं होती तब तक ये शायद जीरी लेना नहीं स्टार्ट करेंगे और हम मजदूरों के साथ हैं और मजदूरों को आश्वासन देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं और इस लड़ाई को आगे लेके जाना है और हम किसान भी मजदूरों के साथ हैं और इस लड़ाई को जीतेंगे और जल्द से जल्द इसकी जीरी की खरीद चालू करवाएंगे। धन्यवाद साथी गुरमेल हमारे साथ। राम राम। राम राम। तो आपके कहना चाहो जो आज किसानों ने धरना लगाया है धान की खरीद को लेकर? देखो सरकार जो ये डेट आगे से आगे बढ़ा रही है ये कोई आज की बात नहीं है, ये जो तीन कानून आए हैं ना ये इनका एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रही है कि भी कैसे किसान कितना विरोध करेगा, कैसे अपनी फसल बेचने की कोशिश करेगा, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है इन कानूनों का क्योंकि आगे यही होने वाला है, कोई भी पूछने वाला नहीं होगा किसान को। लेकिन आज जो यहाँ किसानों का धरना है ये पूरा हरियाणा और पंजाब के किसानों ने बीजेपी और जेजेपी के जो विधायक हैं एमपी हैं उनके निवास के सामने धरना दिया है और ये लड़ाई किसान आज शुरुआत अभी तो शुरुआत है, ये किसान ने आगे और बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये तीन काले कानून तो देखो वापिस होंगे इसमें कोई शक नहीं, ये तो वापिस होंगे क्योंकि उन कानूनों की वजह से आज सरकार बैठा ही हुआ है, किसान बैठा रोड पर। कानून तो वापिस होंगे लेकिन कानून वापिस होने के बाद किसान ने क्या लड़ाई लड़नी है उसके ऊपर भी आज किसानों ने सोचना पड़ेगा, आगे की लड़ाई क्या होगी। जिस प्रकार शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि भी आज़ादी तो हमें मिल जाएगी 2 साल में 4 साल में 10 साल में लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान कैसा हो उस पर विचार करना है, असली लड़ाई वो है, आज किसान की वही लड़ाई है कि ये कानून वापिस होने के बाद आगे किसान कितना संगठन बना के आगे लड़ेगा, सांगठनिक कैसे रहेगा और एक ही विचारधारा बना के संगठन बना के कैसे ये जो कारपोरेट्स हैं इनके खिलाफ लड़ेगा, ये आगे की लड़ाई अब शुरुआत हो चुकी है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरमेल जी ने बहुत सी बढ़िया बात बताई इस आंदोलन लेकर, जो एक नई बात है भाई, आंदोलन जीतने के बाद अगर फिर किसान क्या सोचेगा, तो आप देखने लग रहे हो किसान बैठे हैं तो एक तरफ दिखाई दें कि किसान ने जो यहाँ पर धरना पड़ता किसान भाइयों के विचार, तो ये विचार किसे लगे, अगर आप इन विचारों से सहमत हैं तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी के साथ जय जवान जय किसान।